नमस्कार दोस्तों, आप सबका विशाल शर्मा चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो लेकर आया हूं एक ऐसी, अगर कोई इंसान परेशान हो चुका है प्यार की शादी को लेकर, शादी सगाई रिश्ता तोड़ना चाहता है, तो आज की इस वीडियो से आप भी दोस्तों सफल हो सकते हैं। जानिए किसी की शादी सगाई रिश्ता कैसे तोड़े। अगर जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, समस्या का समाधान प्राप्त कीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, शादी सगाई रिश्ता तोड़ना कोई दोस्तों बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों इंसान इतना प्रॉब्लम में फंस जाता है कि दोस्तों जिससे वो प्यार करता है, जिसके लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार होता है, उसकी शादी ही किसी और के साथ तय कर दी जाती है। देखिए दोस्तों, शादी सगाई जब तय होती है ना, तो इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो परेशान होने लग जाता है कि मेरा प्यार ही मुझसे दूर होने जा रहा है, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, तो दोस्तों अब मेरा इस दुनिया में क्या बचेगा। तो ऐसे में दोस्तों वो परेशान हैरान होकर तरह तरह के टिप्स ढूंढता है, लेकिन फायदा नहीं होता। फिर वो गूगल पर सर्च करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है, कोई ऐसा टोटका तांत्रिक क्रिया आपको मिल जाए जिससे कि आप शादी सगाई को तोड़ सके। तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। शादी सगाई हो, रिश्ता हो, किसी की तोड़वाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से सफल होंगे 100% गारंटी के साथ। ये हम लिख कर कह देते हैं दोस्तों, आपको करना क्या होगा, करना ये होगा कि जिसकी शादी तोड़नी है, जिसका रिश्ता तोड़ना है, बस उसका नाम एक कपूर की टिक्की पर लिखना होगा। देखिए कपूर की टिक्की पर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मार्कर की सहायता से लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना हो तो सिंदूर के साथ लिख सकते हैं, घोल बना लीजिएगा उसका। अब ये शादी सगाई तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने जो नाम लिखा है उसे आपने दोस्तों इस कपूर की टिक्की को 7 दिनों तक जलाना होगा। हर रोज लिखना है नाम, हर रोज आपने जलाना होगा। जैसे ये क्रिया आप करते हैं तो देखिए दोस्तों, शादी सगाई तोड़ने के लिए आपको ये क्रिया शनिवार से शुरू करनी है। शनिवार से आपने अगले शनिवार तक क्रिया अपनानी होती है। अंतिम दिन क्या करेंगे, जैसे ही कपूर पर आपने नाम लिखकर जलाया, उसका आपने सबसे पहले क्या करना है कि उस कपूर की टिक्की का जो राख बचती है उसका तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाकर आपने सबसे पहले जहां पर दोस्तों आप खड़े हैं वहीं पर तिलक लगा लीजिएगा और अपने प्यार मोहब्बत के सामने जाना, जिसको आप चाहते हैं दिलो जान से। अब उसके सामने जैसे ही आप जाते हैं तो वो दोस्तों आपका मुरीद बन जाता है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये टोटका कोई दोस्तों कोई बेफजूल का टोटका नहीं है, व्यक्ति सफल भी होता है, काम भी बनता है। बस धैर्य के साथ इसको कीजिएगा, आपका काम बनते समय नहीं लगेगी। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको फायदा होगा, आपका काम बनेगा। इसी प्रकार से आपके लिए तरीके टोटके लेकर आते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आपके लिए नए नए तरीके टोटके हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर किसी प्रकार की जीवन में कुछ समस्या है तो हमें कॉल कीजिएगा। धन्यवाद।